पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में बुधवार रात 2 बजे 7 युवकों ने एक घर पर हमला किया। लड़की को अगवा करके ले जाने लगे तो परिजन उनसे भिड़ गए। खुद को घिरता देख युवती के माँ बाप और भाई को गोली मारी और धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे। उन्होंने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस को सूचना दी। घटना मुंडा पांडे इलाके के शिवपुरी गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही DIG मुनिराज ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। युवती के पिता सुनील कुमार से घटना की जानकारी ली। सुनील कुमार ने बताया कि मैं एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करता हूँ। रात करीब 2 बजे बदमाश मेरे घर में घुस गए। इन बदमाशों ने मेरी छोटी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। तभी शोर सुनकर मेरी आंखें खुल गई। कमरे से बाहर निकलने पर मैंने देखा कि हथियारों से लैस मेरी बेटी को जबरन ले जा रहे थे। मैं उनसे भिड़ गया। तभी बेटा प्रदुम सिंह और पत्नी प्रभा देवी भी जाग गए और कमरे से बाहर आए। वो भी बदमाश से भिड़ गए। अपने इरादों में नाकाम होने पर और खुद को फंसा देखकर बदमाशों ने गोली चला दी। मुझ पर धारदार हथियार से भी हमला किया। मेरे घर पे 2:30 बजे कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें मेरे बेटे को सीने में गोली मारी है, मेरे कंधे में मारी है, घर वाले की जांग में गोली मारी है और मेरी बेटियों को उठा कर ले जाने का प्रयास किया गया। और जो लोग हैं वो लोग मैंने पहचान लिए हैं, पूरी तरीक़े से पहचान लिए गए हैं वो लोग। मेरी हाथापाई उन लोगों से हुई है, हाथापाई उन लोगों से हुई है और गिरा के हाथापाई भी ज़्यादा देर तक हो पाई है। आखिर में वो गोली मार के तीनों लोगों के फरार हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, थाना मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। और जो लोग जो हैं वो भी मेरे गांव के ही लोग हैं। एक का नाम मुस्लिम है, एक का नाम नन्ने उर्फ अब्दुल है, एक का आले हसन है, हाँ एक का आले हसन है और एक का सुलेमान है। एक का नाम, चार लोग थे। वजह क्या है? वजह मेरी बेटी को मुस्लिम अब से 3 महीने पहले घर से अगवा करके ले गया था, पमासे से, उसकी ससुराल से। 1 महीने में बेटी मिली। बैजुई थाने ने कोई कार्रवाई नहीं करी और दरोगा ने मुझसे 50,000 रुपये लेने के बाद भी कार्रवाई नहीं करी। 50,000 रुपये मुझसे मांगे, मुझसे लिए। नाम है उसका दिनेश एसआई उन्ने। और बाद में मेरे साथ में अभी अंजाम हो गया। रात कितने बजे की? रात 2:30 बजे की घटना आई। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सब, बारिश तेज़ हो रही थी तो हमने एक तरफ पिन्नी डाल रखी है, उसके नीचे हम लोग लेटे थे, मैं, मेरी घरवाली और मेरी दोनों बेटी, और बेटा और बहू ऊपर 2 मंजिल पर लेटते हैं। गोली किसकी लगी है? गोली मेरे बेटे के सीने के आर पार है। क्या नाम उसका? प्रदुम सिंह नाम है। मेरी घरवाली का, जिसका नाम प्रवा है, उसकी जांग में गोली आर पार है। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे मुड्ढे पर गोली लगी हुई है और धारदार हाथ हथियार से मेरे एक हाथ पर वार कर, दोनों ही बोटियों को लेके जा रहे थे। आज सुबह लगभग 4:30-5 बजे के बीच में पुलिस को सूचना मिली थी, थाना मोड़ा पांडे के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में एक शिवपुरी गांव में ये घर पे कुछ लोग आए हैं और गोली चलाए, उस पर एक आदमी का उसका चेस्ट पर चर्रा लगी है और उसको पापा का भी लगातार हत्या से उनके चोट है और उसकी माँ का भी एक चर्रा पड़ी है। ये सब सूचना अभी मैंने चेक किया हूँ और बाकी घटनाक्रम को पता चला है। यहाँ पे पहले से भी जो दो समूह का, एक लड़के और लड़की के, दोनों का पहले से लगातार चल रहा था, उसी में पुलिस ने भी कार्रवाई भी किया है। पहले मुकदमा लिखा उसका संबल थाना में मुकदमा लिखी थी, उसकी बैजोई पुलिस स्टेशन में, वहां से पुलिस मुकदमा लेके जो मुलजिम का तलाश भी करा था संबल पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे मुड़ापांडे पुलिस में इस पे यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं था, फिर वहां का पुलिस भी, यहाँ का पुलिस भी पहले भी लगा था, उस परिवार का दबिश डाल रहा था और उसका परिवार जन यहाँ पे कोई नहीं था, मकान वगैरह सब ताला बंद पड़ी थी, फिर भी उन्होंने अचानक कल रात आके उस लड़की से मिलने के लिए आया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।